हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ओक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे फॉर्सेट 500 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे ये टैबलेट के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में ये मेडिकेशन को यूज़ किया जाता है, साथ ही जानेंगे उसके डोज के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वार्निंग क्या रहेंगे एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन सीखेंगे ये लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ओक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ओक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मर ओक्स के ऊपर अफोर्डेबल प्राइस में एक साल तक, और जानिए अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो वो भी सीखिए काफ़ी सरल भाषा में एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, डाउनलोड करके फार्मर ओक्स मोबाइल एप्लीकेशन कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, आईफोन एफ एप स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब सीखते हैं फॉर्सेप 500 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। तो ये मेडिकेशन जो है वो एंटीबायोटिक मेडिकेशन है और बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए जो यूज़ की जाती है, कि जो ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज के जिनके कारण अलग अलग बीमारियाँ होती है, तो उनके सामने ये मेडिकेशन अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हम देखें तो वो है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, उसके मैन्युफैक्चर है। और सॉल्ट कंपोजिशन की हम बात करें तो वो है सी फ्यूरोक्साइम एक्सेटिल, उसके अंदर मेन सॉल्ट कंपोजिशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RX प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन हो गया है, ये उसका सॉल्ट कंपोजिशन सी फ्यूरोक्साइम एक्सेटिल कि जिसकी स्ट्रेंथ है 500 मिलीग्राम ये टैबलेट के अंदर, और ब्रांड नेम दिया है फॉर्सेप। तो अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इसको फॉर्सेप के नाम से उसको जो है वो बेचती है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग भी फॉर्सेप के नाम से हो रहा है। और इसके तीन अलग अलग वर्जन है कि आप समझो कि फॉर्सेप टैबलेट्स के मार्केटेड फॉर्मुलेशंस देखो तो आपको 125 मिलीग्राम का भी टैबलेट देखने को मिलेगा, 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होता है, और तीसरा 500 मिलीग्राम। तो तीन अलग अलग स्ट्रेंथ में सी फ्यूरोक्साइम एक्सेटिल के टैबलेट्स अवेलेबल है कि जिसका ब्रांड नेम है फॉर्सेप की, जो अरिस्टो फार्मास्यूटिकल उसके मैन्युफैक्चर से। आगे जाने उसके लेबल्स के बारे में डिटेल स्टडी करें तो ये फिल्म कोटेड टैबलेट्स है, कि यहाँ पे लिखा है कि हर एक फिल्म कोटेड टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन है, कि 500 मिलीग्राम है सी फ्यूरोक्साइम एक्सेटिल और फिल्म कोटेड टैबलेट है, और उसके अंदर कलर डाला हुआ है टिटेनियम डाइऑक्साइड एज पर IPAC इंडियन फार्माकोपिया के जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू ये टैबलेट बनाई जाती है, और डोजेस में लिखा है कि एज पर द डायरेक्शन बाय द फिजिशियन। डिटेल लेबल उसका रीड करें तो ये मेडिकेशन जो है वो शेड्यूल एच के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप देखो शेड्यूल एच मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स खासकर होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस के कैटेगरी में खासकर इंक्लूड होते हैं, मेडिकल सुपरविजन में आपको उसको यूज़ करना होता है, तो ये खास ध्यान रखना है। स्टोरेज कंडीशन लिखी कि स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, के जब भी आप उसको स्टोर करते तो प्रॉपर और ड्राई प्लेस में रखना है, लाइट से आपको उससे प्रोटेक्ट करना है, और बच्चों से ये मेडिकेशन को दूर रखने के, जो गलती से भी कभी सेल्फ मेडिकेशन ना कर ले। मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जाने तो अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड उसके मैन्युफैक्चर है, कि जिसकी हेड ऑफिस जो है वो मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर इंडिया में, और ये एक नॉन गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सी फ्यूरोक्साइम एक्सेटिल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो ये एक सेफालोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन है, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक कहा जाता है ये सेफालोस्पोरिन क्लास का, एंड उसका जो काम है वो बैक्टीरिया के सामने फाइट बैक करता है और उनको किल करता है। तो ये खास याद रखें सेकंड जनरेशन है इसकी, और सेफालोस्पोरिन क्लास के जो एंटीबायोटिक मेडिकेशन है एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन से उसकी कैटेगरी में ये आता है, और बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं कि जिनके कारण डिसीज एंड डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में सी फ्यूरोक्साइम एक्सेटिल जो है वो यूज़ किया जाता है। उसका स्पेक्ट्रम हम देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो कौन से अलग अलग बैक्टीरिया के सामने उसकी इफेक्टिवनेस हो, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेफाइलोकोकाई जो होते हैं, कि यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो स्टेफाइलोकोकाई के सामने उसकी इफेक्टिवनेस आपको देखने को मिलती है। फिर जो स्ट्रेप्टोकोकाई का ग्रुप बी होता है उनके सामने भी उसकी इफेक्टिवनेस, कि समझे कि स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उस वक्त भी आप सी फ्यूरोक्साइम एक्सेटिल यूज़ कर सकते हैं।
फिर इन्फ्लुएंजा के जो ए एंड बी दोनों टाइप के सामने भी ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। ई कोलाई के सामने भी काफ़ी इफेक्टिव है ये मेडिकेशन, एंटेरोबैक्टर के सामने भी यूज़फुल है एंड साल्मोनेला एंड क्लैप्सियल्ला के सामने भी ये मेडिकेशन की अपनी इफेक्टिवनेस जो है वो देखने को मिलती है। तो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज के सामने उसकी इफेक्टिवनेस है, जिसके कारण उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिकेशन जो है वो कहा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है कि स्पेशली लाल लकीर आपको उसके अलग अलग पैकिंग के ऊपर देखने को मिलेगी। बेसिक हम देखें उसके यूज़ तो ब्रोंकाइटिस के जो लंग्स इन्फेक्शंस जो स्पेशली होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस एज वेल एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन दोनों में ये मेडिकेशन जो है वो यूज़फुल साबित होती है। कि किसी को समझे कि ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन है, न्यूमोनिया जैसी कंडीशन है, फिर गोनोरिया डिसीज में भी ये मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। ईयर रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं कि कान में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी ये एंटीबायोटिक यूज़ किया जा सकता है। थ्रॉट इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो उसमें भी ये एंटीबायोटिक यूज़फुल साबित होती है। यूटीआई के अंदर भी अगर दूसरे मेडिकेशन इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे तो उस वक्त ये मेडिकेशंस को भी यूज़ की जा सकती है। एंड जो हमारे बॉन्स की जो हमारी हड्डियों है, हमारे जॉइंट वगैरह होते हैं बॉडी के, स्किन, फिर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह होती है, तो वहाँ पे जब इन्फेक्शंस होता है बैक्टीरिया के कारण कि जो सेप्सिस वगैरह हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये फॉर्सिया 500 मिलीग्राम के टैबलेट यूज़ किए जाते हैं। डोज की बात करें तो एडल्ट के लिए उसका जो डोज है 250 से लेकर 500 मिलीग्राम जितना रहेगा बीडी, मतलब कि मैक्सिमम जो है वो आप 500 मिलीग्राम दिन में दो बार ले सकते हैं। अगर आप ये 500 मिलीग्राम का टैबलेट यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम डोज हम उसकी बात कर लें तो इस तरह से 101 के दिन में दो बार जो है वो पेशेंट उसको यूज़ कर सकता है। और लोअर डोज में हम बात करें तो 250 मिलीग्राम दिन में दो बार लेना है तो उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं ये 125 मिलीग्राम का भी टैबलेट की। ये टैबलेट जो है वो आप इस तरह से 101 दिन में दो बार जो है वो ले सकते हैं। तो 250 मिलीग्राम आपको मिल जाएगा मेडिकेशन एज वेल एज ये वाला समझो कि आप यूज़ करते हैं 250 mg, तो वो भी 101 की, जिससे मैक्सिमम 500 मिलीग्राम जितना डोज जो है वो पेशेंट को डिलीवर हो जाएगा। सेकंड बात करें चाइल्ड डोज के, तो चाइल्ड डोज के लिए कंपनी ने स्पेशली 125 मिलीग्राम का जो है वो टैबलेट बनाया है कि 125 मिलीग्राम का टैबलेट बच्चों को आप 101 के तौर पे दे सकते हैं कि दिन में दो बार, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 250 मिलीग्राम का मेडिकेशन डिलीवर हो सकता है। और 250 मिलीग्राम वाला यूज़ कर दे तो वो भी दिन में दो बार, पर यूजुअली बच्चों के लिए ये 125 मिलीग्राम वाला ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो इस तरह से उसका डोज बनता है। फिर से एक बार जान लो, 250 से 500 मिलीग्राम बीडी, मतलब कि दिन में दो बार, टू टाइम्स इन ए डे। और समझो कि 125 से 250 मिलीग्राम बीडी तो चिल्ड्रंस के लिए है, वो भी दिन में दो बार, टू टाइम्स इन ए डे। ध्यान ये रखना है कि दो डोज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 12 आवर का, कि प्रॉपर 12 घंटे के टाइम इंटरवल पे ही दूसरा डोज जो है उसका लेना चाहिए। मैकेनिज्म हम देखिए तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, जो बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उनसे बाइंड होके आगे जाके वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका लाइसिस करवा देता है। और लाइसिस होने के बाद वो सेल वॉल जो है वो लंबे समय तक जो है वो स्टेबल नहीं रहती और वो सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेल वॉल डिस्ट्रॉय होने के कारण बैक्टीरिया भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और ऐसे इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में कम होता जाता है। तो स्पेशली जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी ये जो सेल वॉल होती है कि जो उसको एक प्रोटेक्शन देती है, तो जो बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव वॉल ही समझो कि आप डैमेज कर देते हैं तो आगे जाके ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता और उनकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यही मैकेनिज्म पे फॉर्सेप्स टैबलेट काम करती है, कि जिसके अंदर सेफालोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन है सेफ्यूरोक्सम एक्सेटिल। साइड इफेक्ट्स हमसे समझे तो स्टमक अपसेट पेशेंट को हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं कुछ केस में, कॉन्स्टिपेशन वाले के दस्त हो जाना, या फिर कब्ज हो सकता है किसी को, नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है, आपके जो टंग के ऊपर आपकी जीभ ऊपर आपको ऐसा फील होगा कि अनप्लीजेंट टेस्ट आपको महसूस हो रहा है,
भूख कम हो सकती है आपकी, गैस जैसा फील कर सकते हैं आप, सर दर्द फील कर सकते हैं, डिजीनेस जैसा मतलब कि नींद आना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एन्जाइटी जैसा हो सकता है मतलब कि चिंता हो सकती है आपको, ड्रॉसीनेस जैसा फील कर सकते हैं आप कि जैसे नींद वगैरह आना लंबे समय तक, नाइट टाइम के समय यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, कुछ केसेस के अंदर रनी नोज देखने को मिलता है उसके साइड इफेक्ट के कारण, कुछ लोग समझे कि ओवरडोज में यूज़ कर ले ये मेडिकेशन को, कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप 250 से लेकर और 500 मिलीग्राम जो है वो आप जो है वो यूज़ करते हैं दिन में दो बार, कि 250 मिलीग्राम बीडी यूज़ करें या फिर 500 मिलीग्राम दिन में दो बार यूज़ करें, पर उससे भी ज़्यादा पेशेंट हाई डोज में उसको ले लेता है, तो उस वक्त सॉर थ्रोट जैसे कंडीशन मतलब कि गले में खारा सोना, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, फिर कॉफ हो सकता है या फिर वजाइनल लीचिंग या फिर डिस्चार्ज जैसे साइड इफ़ेक्ट ये सेफालोस्पोरिंस करते हैं, तो फॉरसेप का भी यही साइड इफ़ेक्ट रहेगा कि जिसके अंदर सेफालोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो अगर आपको सेफालोस्पोरिन क्लास के किसी भी मेडिकेशन से एलर्जी हो जाती है, पेनिसिलिन से एलर्जी हो जाती है, तो उसको यूज़ ना करें, बिकॉज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर देखने को मिल सकती है कि आपकी आँखों में अचानक से सूजन हो जाना, लिप्स जो होते हैं वहाँ पर सूजन आ जानी, फिर जो जीभ होती है वहाँ पर काफ़ी सूजन आ जाए, रैसिस जैसे डेवलप होने लगे, हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाए आपके, एब्डोमिनल पेन हो जाए या फिर काफ़ी वॉमिटिंग होने लगे आपको, कई बार जो है वो पेशेंट जो है वो अनकॉन्सियस हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न जैसी कंडीशन फील करते हैं, सर दर्द, तो तुरंत ये मेडिकेशन बंद कर देनी चाहिए। वार्निंग देखें तो अगर किसी को एलर्जी है तो ना यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, बिकॉज यहाँ पर रेड लाइन जो है आप देख सकते हैं कि प्रॉपर शेड्यूल एच की मेडिकेशन है, तो ये खास आपको ध्यान रखना है, तो कंसल्ट करें डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को, उसी के बाद यूज़ करें। प्रिस्क्रिप्शन बेस मेडिकेशन है तो खास उसको वार्निंग के साथ ही यूज़ करने, तो वार्निंग ये है कि सबसे पहले तो स्टमक पेन आपको हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और डायरिया हो रहा है, और वो डायरिया वाटरी है या फिर ब्लडी, कि काफ़ी लूज मोशन है, वाटर कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है डायरिया के अंदर, स्टूल के अंदर, और साथों साथ उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को ये मेडिकेशंस नहीं देनी चाहिए। फिर किसी को जॉन्डिस हुआ है कि आंखें जो है वो पीली दिख रही है, स्किन पीली दिख रही है आपके, येलो जो मतलब कि पीलिया जो हम कहते हैं, तो उनको भी ये ना दें। फिर डार्क कलर का यूरिन आ रहा है किसी का, कन्फ्यूज़न में है पेशेंट या फिर उसको काफ़ी थकान है, तो भी ये मेडिकेशंस ना दे। उसको सीजर्स आते हैं मतलब कि कन्वल्जन, खींच आना जिसको हम कहते हैं, और किसी को एलर्जी है सेफ्यूरोक्सम, एक्सेटिल या फिर इसके जैसे किसी भी सेफालोस्पोरिन की, तो भी यूज़ ना करें या फिर उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इसी तरह से सीखिए अलग अलग मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, तो जेनेरिक मेडिकेशंस के बारे में भी सीखे, ब्रांडेड्स के बारे में भी सीखे, फार्मारोक्स की ऐप ऊपर अफोर्डेबल प्राइस में एक साल तक। तो ये नंबर पे आप हमें जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020, डाउनलोड कर सकते हैं फार्मारोक्स एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से, एप स्टोर पर से भी आपको मिल जाएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, या फिर ये नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।